हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों मैं मौजूद हूँ सिनेमा का मंदिर गेटी गैलेक्सी में दोस्तों, और हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे सुपरस्टार, बोले तो इस सदी के सुपरस्टार, हमारे यूट्यूब स्टार अशोक सर उर्फ ऑटो वाले अंकल। तो ऑटो वाले अंकल, आपको बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका भी स्वागत है। आपका इंट्रो थोड़ा अलग किस्म का आज मैंने कराया, और क्योंकि इसका पीछे है हमारे सलमान खान, और इनकी मूवी अनाउंसमेंट हो चुकी है मगर रिलीज नहीं आई है अभी डेट, और ऑलरेडी एक टीजर भी आ गया। तो इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहता हूँ मैं, कि आपको कितनी खुशी हुई जब सलमान खान का यह पोस्टर ने आप देखें अंतिम का। देखो, पहली बात क्या है कि सलमान खान जी जो कि एक सबका दिल का धड़कन बन चुके हैं बराबर, और वो जो है ये जो कैमरा मारो इधर, जरा थिएटर दिखाओ जी, ये जो थिएटर जो दिख रहे हैं जी, ये है गेटी और इस बाजू जाओ गैलेक्सी, ये गैलेक्सी हो गया। थिएटर जो खाली पड़े हैं ना, ये थिएटर उसी टाइम भरेंगे, और मुझे लग रहा है कि जब ये मूवी दशहरे में, जब जहाँ तक हो सकेगा ये जो है मूवी दशहरे में आ जाएगी, और सलमान खान सर जो है वही उम्मीद लगाए हुए हैं, और हो सकता है क्योंकि जब ये गाने का जो है गाना जब आ चुका है तो ये मूवी जो है अगर दशहरे तक, ऐसा भी हो सकता है कल ये गाना फुल, आज तो टीजर आया है, कल आएगा फुल सॉन्ग, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है जब फुल सॉन्ग में वो रिलीज डेट डाल सकते हैं, कहीं ऐसा गेस कर सकते हैं। देखो गेस क्या कर सकता है, मैं ऑलरेडी ये बोल सकता हूँ कि दशहरे में ये मूवी रिलीज हो सकती है, और रह गया जिस तरीके से पब्लिक के अंदर जो गाने का जो एक्साइटेडमेंट और खुमार जो भरा हुआ है जी, वो काबिल तारीफ़ है, और सबके अंदर जो है जोश भरा हुआ है, जो ये भरा हुआ है कि जल्द से जल्द जो है मूवी लगे और हम थिएटर में देखें। डबल एक्सिंग जो भी है, सब इसका जो कानून का जो भी है सब हम पूरा करेंगे, लेकिन थिएटर चालू हो और थिएटर में पब्लिक आए। कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र में थिएटर ओपन भी हो जाती है और दशहरा तक मूवी आती है अंतिम, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के थिएटर्स के लिए तो एक खुशखबरी हो ही सकती है, क्योंकि सलमान खान की मूवी बोले तो धमाल मचाती है थिएटर में। धमाल क्या, ये एक्टर है, ये जो है बॉलीवुड के जो है अभी तक जो है सुपरस्टार बोलो या दबंग खान बोलो जो भी बोलो, यही एक स्टार हैं जो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन पसंद करती है और देखने के लिए आती है। अगर मूवी कैसी भी रहने दो, लेकिन दो हफ्ते में अच्छी खासी कलेक्शन करती है, यही नहीं दुबई बोलो, हर एक जगह पर वर्ल्ड में, सब जगह, अगर महाराष्ट्र में लगती है तो आधा से ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में उनकी कलेक्शन हो जाती है बराबर। तो ये जो है सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि जो इनका फेसअप है सलमान खान सर और आयुष शर्मा, जबरदस्त, काबिले तारीफ, सिक्स पेंस, वाह जबरदस्त, मतलब कि सलमान खान ने बहनों साहब का भी बॉडी बनाई दिया, हाँ उनका भी, और ये लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो उनके लिए एक जगह ऐसी छोड़ना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो है सलमान खान को कोई ना भूले बराबर, ये वो छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए आयुष शर्मा को जो है इतना सपोर्ट किए, हर एक जन को सपोर्ट किए, किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है, लेकिन जो जिसको दिखता है वो बोलता है, वो कहता है जो दिखता वही बिकता है, वही बिकता है। तो ये जो है पहली बार ऐसी होगी कि जो मराठी का जो है डबिंग करके जो है ये मूवी में बड़े एक्टर सलमान खान सर और आयुष शर्मा, जिसको जबरदस्त आजकल जो है उनको एकदम जो है डायरेक्टर का बादशाह माना जाता है, महेश मांजरेकर वो डायरेक्शन कर रहे हैं, अच्छी खासी उन्होंने अच्छी मूवी दी, वास्तव दी थी सुपर डुपर हिट, तो बहुत अच्छा उन्होंने डायरेक्शन किया है, मूवी देखने में मज़ा आएगा आपको, है ना, रिजल्ट है ना, ये गाने में ही मालूम हो जाएगा कितना उन्होंने डायरेक्शन जबरदस्त किया, जी अच्छा किया है या बुरा किया। अगर ये गाना जो है धमाल कर दी भाई मेरे, जिस हिसाब से हम लोग देख करके रिस्पेक्ट करके टीजर देख के जिस हिसाब से हम लोग रिव्यू दिए उस हिसाब से अगर ये धमाल कर दी तो वाह, मानना पड़ेगा मूवी कितना धमाल करेगी, और थिएटर में पब्लिक चुंबक की तरह खींच के, ये पूरा ये सब जो है पूरा हाउसफुल रहेगा, हाँ, और ये दोनों थिएटर में लगेगी, दोनों थिएटर में लगेगी, हाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये था हमारे ऑटो वाले अंकल का रिएक्शन, आपका क्या रिएक्शन है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय महाराष्ट्र।